समाज सेवक के रथ पर सवार निर्दलीय प्रत्याशी सीताराम भारद्वाज बड़सर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख चुनौती बन गए हैं। पिछले डेढ़ दशक से समाज सेवा में जुटे रहने के बाद इस बार सीताराम भारद्वाज निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। जय जवान जय किसान सेवा समिति के चेयरमैन सीताराम भारद्वाज ने चुनाव चिन्ह मिलने के बाद खुशी जाहिर की और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को जमकर कोसा और बड़सर की जनता की अनदेखी करने के आरोप लगाए। निर्दलीय प्रत्याशी सीताराम भारद्वाज ने कहा कि चुनाव चिन्ह मिलने के बाद प्रचार अभियान और भी तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बड़सर की जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों को नकार रही है। उन्होंने कहा कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और जनता बदलाव के मूड में है। मैं आज बहुत खुश हूँ और मेरे साथी भी बहुत खुश हैं कि हमें चुनाव चिन्ह जो है वो ट्रैक्टर मिला जो कि किसान की शान है और किसान की समृद्धि का चिन्ह है। और जो हमारे विरोधी हैं, पिछले 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी का जो राज था उसमें भी बड़सर में कोई विकास नहीं हुआ और अब के जो कांग्रेस का 5 वर्ष का राज रहा इसमें भी कोई जो है विकास नहीं हुआ। अब की बार जो है वो जनता जो है वो इन दोनों ही पार्टियों का सुपड़ा साफ करेगी।